बारिश के मौसम में अगर आपको इतना क्रंची, इतना सुपर टेस्टी नाश्ता मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तो आज हम जा रहे बनाने बहुत ही कम टाइम में और साथ ही बहुत ही कम सामान में सुपर टेस्टी नाश्ता, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। ऐसे तो हमने अपने चैनल पर अनेकों प्रकार के नाश्ता डाल चुके हैं, तो एक उसी के लिस्ट में से ये भी है। हम इसको सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे, वीडियो को पूरे एंड तक जरूर बने रहें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। तो हमने लिया है एक कटोरी पोहा, ये पहला चीज है पोहा। पोहा से भी ये नाश्ता बनेगा। पोहे को लेकर अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और साथ ही जो पानी है ना, पानी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। पानी को निकालने के बाद हम पोहे में पानी डालकर आधे घंटे तक छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, आधे घंटे के बाद पोहा पूरा अच्छी तरीके से फूला फूला है ना, फिर हमने सारा पानी निकाल दिया। तो लीजिए, हमारा दूसरा चीज है कि हमने लिया है ब्रेड। जो आप नॉर्मल ब्रेड खाते हैं ना, वही ब्रेड है। उसके बाद हम ब्रेड के चारों साइड के कॉर्नर को निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे ब्रेड को और उसको पानी में डालेंगे और उसका सारा पानी को निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, निकालने के बाद हमने जो पोहा लिया था ना, उसमें डाल देंगे और सारे को फिर हम ऐसे ही कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी को अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। इसको हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे, तो पहला चीज़ है पोहा और साथ ही दूसरा चीज़ है ब्रेड। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब नाश्ता है ये। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो प्याज, अदरक, लहसुन और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। सबको हमने बारीक बारीक करके काट लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्च कम लीजिए या तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्च मीडियम में ही लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह पर चावल के आटे भी डाल सकते हैं या तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया। हरी धनिया को हमने अच्छी तरीके से काट लिया है। तो चलिए थोड़े मसाले डाल लेते हैं। तो आधे छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही आधे छोटे चम्मच भुनी हुई जीरा डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। साथ ही एक चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चाट मसाला। चाट मसाले की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। चाट मसाला से बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेगा ये। फिर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच दही। दही से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा ये, तो आप लोग दही ज़रूर डालिएगा। इस नाश्ते को आप सुबह में या तो शाम को चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा ये। तो बस हमारे यही सब चीज़ थे जो डालने थे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी का यूज़ मत करिएगा। तो लीजिए, हमने मिक्स कर लिया। साथ ही साथ हमने लिया है दो से तीन ब्रेड को अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले एक हम डो ले लेंगे और उसको हाथ से सर्कल करेंगे। फिर हम उसको बीच में से प्रेस कर लेंगे और चारों साइड के कॉर्नर होते हैं ना, उसको हम स्क्वायर शेप में डाल देंगे। आप चाहे तो इसको रेक्टेंगल शेप में भी डाल सकते हैं। तो सबको हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सबको ऐसे ही बना लिया। हमने इसको स्क्वायर शेप में डाला है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप में डाल सकते हैं। इसके बाद हमने गैस पर कढ़ाई बैठा दिया। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। साथ ही साथ हमने लिया है एक चम्मच अरारोट पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, या तो चावल के आटे या तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हमें कुछ भी सामान ज़्यादा नहीं लगता है। फिर हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक ध्यान रखिएगा, कम ही डालिएगा। फिर हम पानी डालकर एक इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो देखिए, हमारा सब चीज़ बनकर रेडी हो गया। तो चलिए हम फ्राई करने के प्रोसेस पर चलते हैं।
तो सबसे पहले हम एक डो ले लेंगे। डो को लेने के बाद जो हमने अभी अपना घोल बनाया था ना उसमें अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद हम जो हमने ब्रेड का बनाया था ना उसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम कढ़ाई में एक एक करके डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको फ्राई करिएगा। सारे को हम ऐसे डाल लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, अब बहुत ही कम सामान में बनता है और साथ ही बहुत ही कम टाइम में भी बनता है ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, साथ ही इसको पलटते रहेंगे। थोड़ा सा हमें इसको गोल्डन करना है, जब ये गोल्डन हो जाए ना तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर हम सबको निकाल लेंगे। जब आपका इस स्टेज में आ जाए ना तो आप इसको निकाल लीजिएगा। सेकंड को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारा सिर्फ 2 चीज़ों से, यानी कि पोहे और हमने ब्रेड से बनाया इतना टेस्टी, इतना सुपर टेस्टी नाश्ता जो खाने में आपका दिल खुश कर देने वाला है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। हमने इसको चटनी के साथ और साथ ही हमने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो आपको भी जिस साथ पसंद है उसके साथ सर्व कीजिए, खाइए, साथ ही खूब इंजॉय करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे।